हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आर चैनल चिकू मिकू फैमिली। सो आपका फिर से स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में, इंटरेस्टिंग व्लॉग में। और ये है हमारा अगेन ट्रैवलिंग व्लॉग, जैसे देखिए आप समझ गए हो कि हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। क्या क्या हुआ व्लॉग में आपको सब व्लॉग में पता चलेगा, तो आप स्टे ट्यून रहिए हमारे व्लॉग। सो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, एक्चुअली ये व्लॉग एकदम अचानक से बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था कहीं जाने का, कोई भी प्लान, कहीं दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था। मतलब हम लोग प्लान कर रहे थे पर हो नहीं पा रहा था, और आज का तो बिल्कुल भी नहीं था कि हम लोग आज, जैसे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि हम जाएंगे, तो मतलब हो रहा था ना हाँ ना हाँ, ऐसे करके कैंसिल ही हो गया था ऑलमोस्ट। तो वही जो हम प्रीवियस व्लॉग में जहाँ गए थे वहीं पे हमारे, जो हम फर्स्ट में स्टार्टिंग व्लॉग में मैंने बताया था ना आपको कि हमारे दो ऑप्शन हैं, हम कौन से वाले ऑप्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो सेकेंड ऑप्शन, तो एक तो हमने कर ही लिया था, डिलॉज ही चले गए अपना ऑप्शन था, और जो फर्स्ट ऑप्शन था वो हमारा किसी कारण कैंसिल हो गया था, तो उसे अब हम आज वो करने की सोच रहे हैं कि हम वही उसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरुआत कर देते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं। मैं अब जाके रेडी होना शुरू करूँगी, पहले मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट और थोड़ा सा अभी क्योंकि मॉर्निंग है, हम लोगों ने प्लान किया है कि हम थोड़ा दोपहर में निकलेंगे क्योंकि अभी सब बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं और अभी उठेंगे, बस देखिए 7:45 हो रहे हैं सुबह के, तो अभी तो उठेंगे, उनको भी रेडी रेडी करना है, ब्रेकफास्ट कराना है। फिर इन लोगों का प्लान है कि शायद थोड़ा सा घर से कुछ खाने वाने का लेके चलेंगे, आधा खाना जो दूसरी फैमिली है वो बनाएंगी, आधा खाना मैं बनाऊंगी, तो वैसे बिन बांट के बना के लेके चलेंगे। क्योंकि बीच में ना कभी कभी ऐसा होता है कि कभी मिलता ही नहीं और बच्चों को भूख लगती है, तो घर का खाना थोड़ा सा ठीक रहता है कि चलो कुछ घर का अगर बना के लेके जा रहे हैं तो आपके पास एक सेफ रहता है कि हाँ चलो बच्चों को कहीं भी गाड़ी में चलते चलते भी खिला दो, आपको कहीं रुकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वही थोड़ा सा हमने सोचा, तो मैं थोड़ा सा देखती हूँ क्या बनाना है, मैं सोच रही हूँ आलू के पराठे बना लेती हूँ या देखते हैं क्या बनता है, अभी कुछ प्लान नहीं है। तो चलिए फिर बनाते हैं और फिर तैयारी करते हैं जाने की, चलिए बाय। सो यहाँ मैं रास्ते के लिए थोड़ा सा खाना रख रही थी क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम लोगों ने, मतलब मैंने नहीं, हम लोगों ने, सबने सोचा कि थोड़ा सा खाना एक्स्ट्रा रख लेते हैं कि बीच में भूख लगेगी तो बच्चों को खिला देंगे। तो मैंने थोड़े पराठे वगैरह पैक कर लिए थे और स्नैक्स वगैरह के लिए बिस्किट थे, तो अभी पैक हो चुका है छोटा सा टिफिन, तो अब हम चलते हैं। यहाँ बहुत गर्मी हो रही थी उस दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और चिकू को डांट भी पड़ गई थी, जो चिकू रो रही थी मुझे चुप कराने लगी क्योंकि डैडी ने उसे डांट दिया था किसी बात पे। तो अभी हम लोग आए हैं पेट्रोल डलाने के लिए, तो हमने डला लिया है 1500 रुपये का पेट्रोल, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। अभी यहाँ कालका जी मेट्रो स्टेशन पे हूँ, पेट्रोल हवा डलवा रहा हूँ, बस निकल गया। मम्मी जी हाउस, सीएनजी तो वहाँ का कालका में डलवा लेंगे। मम्मी जी हाउस, अभी है इसमें सीएनजी, तेरी कसम मम्मी जी हाउस। अब हम लोग जिनके साथ जा, जिनके हमसे साथ हम लास्ट ट्रिप पे गए थे, उसी का इस बार हम जा रहे हैं, मतलब बहुत फेमस जगह है। हाय एंजल, अनदर ट्रिप टुगेदर। हेलो जी, वेलकम, आ जाओ। पेट्रोल हम लोग पहले डला चुके थे, फिल करा चुके थे टैंक, तो हम यहाँ पे सीएनजी फिल रिफिल कराने आए थे, फुल टैंक कराने आए थे, तो वही हमारी कार लगी हुई है सीएनजी के लिए, तो हम लोग थोड़ा सा वेटिंग करने के लिए आगे की तरफ चले गए थे। ठीक है चलो बैठो। सो सब कुछ होने के बाद, मतलब टैंक फुल होने के बाद, अब हम लोग फाइनली निकल रहे हैं अपनी ट्रिप के लिए। सब लोग बैठ चुके हैं कार में, अब हम लोग जा रहे हैं। सो हम लोग पहुंच चुके थे मुरादाबाद और हम लोग यहाँ पे आए थे अपनी सीएनजी रिफिल कराने के लिए। सो यहाँ पे हमें दिखे बहुत सारे पिजन जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे और बच्चों को भी बहुत
अच्छा लग रहा था इनको देख के। और ये जब फ्लाई कर रहे थे ना, तो ये बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे देख के उनको। एक्चुअली यहाँ पे ना अपना खाना खाने आए थे, और बच्चों को लगा कि हम लोगों को इनके साथ खेलना चाहिए, तो वो वही खेल रहे थे और हमें बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो गाइज़ फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नैनीताल उत्तराखंड, जहाँ सुबह हम लोग निकले थे, जहाँ के लिए हम पहुँच चुके हैं। ये थोड़ा सा जंगल एरिया स्टार्ट हो चुका है, और हमने वहीं पे थोड़ा सा ब्रेक लिया खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी। तो हमने एक जगह अपनी गाड़ी को रोका और हमने अपना फूड इंजॉय किया। वहाँ पे एक गन्ने की स्टॉल भी थी, गन्ने के जूस की स्टॉल थी, तो हमने उसी के पास अपनी गाड़ी लगाई और हमने अपना फूड इंजॉय किया। ये देखिए खाते खाते रात भी हो गई थी। और ये प्लान जो कि जंगलों के बीच में रुकने का प्लान, ये बॉयज़ का था, क्योंकि उनको थोड़ा एडवेंचर करना था फैमिली के साथ। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, और मैंने जल्दी जल्दी इसी डर में जल्दी जल्दी खाना खा लिया, और मैं जाके बैठ गई थी गाड़ी के अंदर, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कोई जानवर ना आ जाए निकल के, क्योंकि जंगल एरिया है तो पता नहीं होता ना कहाँ से कौन आ जाए। तो यहाँ पे बच्चे जूस पी रहे हैं, और हमने फटाफट अपना फूड ख़त्म करके, मतलब हम यहाँ से निकल गए थे जल्दी। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था हमने वहाँ पे, ज़्यादा देर, क्योंकि अंधेरा हो चुका था तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क था ना, तो हम जल्दी से खाना ख़त्म करके अपना जल्दी निकल गए थे वहाँ से। सो हम लोग अब खाना खा के निकल चुके हैं आगे के लिए। तो यहाँ पे माउंटेन शुरू हो चुके हैं, मतलब चढ़ाई शुरू हो चुकी है। नैनीताल जाने का रूट है ये। हम यहाँ पे हल्द्वानी क्रॉस कर चुके हैं, और अब हम लोग आगे के लिए जा रहे हैं, मतलब नैनीताल के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका है। ये देखिए कितना घना अंधेरा है, मतलब यहाँ पे जंगल दे दिया है ना थोड़ा सा, और यहाँ पे मतलब हो गई है ट्रेजेडी। हम लोग आ चुके हैं माउंटेन्स पे, और ये है रात को 8:30 बजे का टाइम। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे बाहर निकल के, क्योंकि हमारी गाड़ी का हो गया है पंचर, और यहाँ पे लग रहा है पंचर, चेंज कर रहे हैं वायर, टायर वायर के लिए। और ये बच्चे तो सब बाहर आ गए हैं, डर लग रहा है अंधेरे में। तो ठीक है, हमारी गाड़ी की लाइट, गाड़ी की लाइट रही है, और हाँ थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है। ठंड लग रही है, चलो लगवा के फिर निकलेंगे थोड़ी देर में। लाइट सो डार्क लुक नाइट एंड दी द माउंटेन्स बिहाइंड अस। आंटी तो बैठ गई है, गाड़ी हो गया बुरा हाल, और हम बैठ चुके हैं। ये गाड़ी हमारी इंडिकेटर दे रखा है, इंडिकेटर होता है क्या होता है, टिप्पर टिप्पर दे रखा है। क्या कहना चाहोगी तुम, कुछ कहना चाहोगी? ये देखो आधी साइड हो जा बेटा, गाड़ी आ रही है। ऐसा पहली बार हुआ है हमारे साथ, एडवेंचरस। सो फाइनली स्टेपनी चेंज करने के बाद हम लोग आगे के लिए निकले, क्योंकि नैनीताल वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम लोग अब अपना टायर चेंज करके, स्टेपनी चेंज करके आगे के लिए निकल चुके हैं। देखिए नैनीताल भी पहुँचने वाले हैं हम लोग, ये सामने आपको दिख रहा होगा नैनीताल। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे खड़े थे तो दो तीन गाड़ी रुकी, और हमसे उन्होंने हेल्प के लिए पूछा कि किसी को कोई हेल्प तो नहीं चाहिए कोई आपको, तो हमने उनको मना कर दिया, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट हो ही चुका था, मतलब स्टेपनी चेंज हो ही चुकी थी। तो हमने उन्हें कहा कि थैंक यू, हमारी मतलब वी डोंट नीड एनी हेल्प। सो ये चीज़ देख के अच्छा लगा मुझे, मतलब लोग कंसर्न दिखाते हैं ऐसे ना, सुनसान एरिया था और बच्चे भी थे, फैमिली थी साथ में, लेडीज़ भी थी। और ये हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं मॉल रोड, नैनीताल का जो मॉल रोड है। ये साइड में हमारे राइट हैंड साइड पे लेक है, लेक व्यू है, और ये सारा मार्केट एरिया है लेफ्ट हैंड साइड पे। और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है, रात के 9:30 का टाइम था, फिर भी इतनी भीड़ थी, लोग रोड पे थे। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था होटल ढूंढने का। तो गाइस अभी हम बहुत परेशानी में पड़ चुके हैं, क्योंकि हमको होटल नहीं मिल रहा है, और अभी रात के 10:10 हो रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेविगेशन चल रहा है, यहाँ पे 10:10 हो रहे हैं और हमको होटल नहीं मिल रहा है, और ये रही पीछे सारे। हेलो गाइस, हम बड़े परेशान हो गए हैं होटल ढूंढते ढूंढते, रात के 10:00 चुके हैं, लेकिन हमें एक भी कमरा नहीं मिला। यहाँ पे सब भरे हुए हैं भाई, और
इंडिया यहाँ पे उठ के आ गया है, एक होटल में कमरा खाली नहीं है। हमने कितने होटल छान मारे। अब वीकेंड भी नहीं है ना, उसके बाद भी, और आज वैसे संडे भी है, उसके बाद भी नहीं मिल रहा। और देखो चीकू को कुछ चोर मच रही है उसको आने के, और हम आपको रूम टूर भी कराएंगे, पहले मिल तो जाए। हाँ गाइस प्रे करो हमें कमरा मिल जाए, फिर हम राज हो गई है, हमारी गाड़ी खराब हो गई, मतलब पंचर हो गया गाड़ी में, इस वजह से। और पंचर कहाँ पे हुआ, सुनसान जंगल में एकदम काला काला, ऐसा लगे की सब रियन डांस में लेट आ जाएगी। देखो भोंगरा कुत्ता आ रही है वो। गाइस हमें कहाँ मिलेगा कमरा, आप लोग बताइए प्लीज कमेंट करके। अगर आप यहाँ पे, कौन सी जगह है, नैनीताल। हाँ अगर आप नैनीताल आए हैं, हमें जाना तो नैनीताल से आगे है, लेकिन अब रात हो गई तो हमें रुकना तो है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे होटल ढूंढ रहे हैं, मतलब कमरा ढूंढ रहे हैं। अगर आप नैनीताल आए तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए कि कहाँ पे मिलेगा हमको होटल। होटल तो बहुत है मिलने को, हाँ पर कोई खाली नहीं है। देखो तो समझ में आती है, कर लिया जंगल में खाना खाया। अच्छा अच्छा लो ऐसे ऐसे पकड़ के रखो। मम्मा टाइम मम्मा फाइंड नो होटल एंड केंद्र दिस इज किंगडम दिस इज अद्दी एंड दिस इज पौआ वो पूरी बोलते हैं। यहाँ पे ये होटल सबोई है, और एक पीछे था पता नहीं कौन सा होटल था वो, होटल अशोक। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अरे तुम बोलो, लो बताओ ये कौन सा होटल है, टेल दिस होटल। चिकू बिल्कुल चिक आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, फेस तो आगे नहीं रहा, नाक का अंदर का भी दिख रहा है आपका, क्या क्या है ये देखो, दांत का टुकड़ा भी दिख रहा है आपको। कैमरा पीछे रखो थोड़ा सा, ऐसे रखो हैंड। Hello guys, mama find no photo. Angel and Adi and look. You guys are watching guys. And daddy. Ah, the light is gone. We're going to hotel and we can sleep. We going to sleep to car. गाइस अभी हम लोगों ने होटल लिया यहाँ पे, और यहाँ मतलब वहाँ से हम लोग आए थे। अभी अंकल एंड लड्डू गए हैं वो सामान वामान ले रहे, और आई थिंक मेरे पापा भी गए पता नहीं, और ये हमारा होटल है, हमने यहाँ पे होटल है, तो चलिए आपको रूम टूर करवाते हैं। तो यहाँ पे एक सोफा, एक टेबल एंड दो सोफे और हैं। यहाँ पे एक रूम है, एंड यहाँ पे यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर है, ये बाथरूम, ये वेसिंग है। मॉर्निंग टाइम वी विल टेल यू। तो हमने चेंज कर दिया, पानी वानी आने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, वहाँ पे टैब खराब था, पानी लीक हो रहा था उसका, तो हमने दूसरा कमरा ले लिया है, और ये कमरा बहुत अच्छा है।
और एक पीछे ज्वाइंट करके दूसरा कमरा है उसमें एंजल एंड फैमिली सोइंग की है ना चिकू। अभी मैं इधर खाना खिला रही हूँ क्योंकि इन लोगों ने खाना खाया नहीं है पूरे रास्ते हम लोगों ने खा लिया था। अब इनको खाना खिलाया जा रहा है। ए हेलो फिनिश चपाती यू ऑल्सो मम्मी की नजर तेरे पे थी बेटा तू कितनी रोटी खा रही है। एक दी और आधी इसने मुझे वापस माँ की नजर रहती है पूछने कितनी खाई खाना खा लिया डर लग रहा था वहां पे नहीं चला ब्लड प्रेशर ठीक रखता है तो आज से हमें बहुत सारा स्पाइसी मैं तो खाती हूँ। मेरे बच्चे स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाते इनके तो मुंह में चलते ही इनके बुरा हालत है। एक टुकड़ा खाएंगे पानी एक गिलास पानी पी जाएंगे उस टुकड़े पे मैं तो पेट ऐसी भरता है मेरे को जितना खा लेते हैं मोमोज खा लेते हैं ज्यादा नहीं खानी चाहिए पता है मैं खा लेती हूँ। सुन मेरी बात खा तो तू लेती है लेकिन वो बाद में दिक्कत मिलते कल हम लोग जा रहे हैं जहाँ जाना था वहाँ जाएंगे कल।